भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिनसे मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कुछ सीखा है, उन सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं संजय जैन जी को, आपने मुझे इस पवित्र भूमि पे बुलाया। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आदरणीय श्री राजकुमार आचार्य जी गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के दर्शन हो रहे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आदरणीय श्री मनमोहन माहेश्वरी जी, श्री चिंतामणि चतुर्वेदी जी, इस कॉलेज के मुखिया आनंद कुमार सोनी जी, प्रांत कारवा श्री उत्तम बनर्जी जी, प्रांत प्रचारक श्री बिजकांत जी, हमारे विभाग प्रचारक श्री श्रवण जी, बौद्धिक प्रमुख श्री उमेश जी और सतना के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। विषय है कि विकसित भारत में हमारी क्या भूमिका है, विकसित भारत बनाना किसका कार्य है, हम सबका कार्य, मतलब समाज का भी कार्य है और शासन का भी कार्य। समाज में हम लोग सब बैठे हुए, सब लोग समाज के अंग हैं, और शासन का भी यह दायित्व है। शासन के तीन स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विकसित भारत आप कहें, मैं उसको बहुत छोटा शब्द मानता हूं, इसलिए मैं उसको राम राज्य कहता हूं कि हम सबका लक्ष्य है राम राज्य की। कुछ लोग कहते हैं हम सबका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, कुछ लोग कहते हैं हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। मुझे जो सबसे पसंद, मेरा जो फेवरेट शब्द है वो है राम राज्य, और उत्तरकांड में इसका वर्णन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक ताप नहीं था, और भारत का संविधान भी आर्टिकल 21 ये कहता है, ये शासन व्यवस्था की ड्यूटी है वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि लोग स्वस्थ रहे। आर्टिकल 21 यहां पे लाके स्टूडेंट्स बैठे होंगे, राइट टू लाइफ लिबर्टी, वहीं पे आपका आता है आपका आर्टिकल 21। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसृत नीति, ये राम राज्य में उत्तरकांड में लिखा हुआ है। सब लोग परस्पर प्रीति करें, अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है यूनिटी नेशनल फ्रेटर्निटी, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, सब लोग भाईचारा के साथ रहे, एक हो के रहे, राष्ट्र को प्रथम माने। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीर, उस समय बहुत लोगों की कम उम्र में कोई मृत्यु नहीं होती थी। मैं दिल्ली में रहता हूं, पिछले 10 वर्ष से मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं कि जो लोग, कोई मुझे 80 के ऊपर वाला मिले जो जा रहा हो। सच्चाई है कि प्रतिदिन कहीं कहीं से सूचना आती है, आज वो गए वो गए वो गए, कोई 75, कोई 76, कोई 78, कोई 80 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। क्यों? न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न फल शुद्ध है, न दूध शुद्ध है, अल्प मृत्यु में होगी होगी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण ही ना, हमारा संविधान भी कहता है कोई दरिद्र दुखी ना हो, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वन क्रम पति हितकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने एक नीति लागू किया था कि सब एक पति एक पत्नी का व्रत धारण करेंगे, और उसको प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने एक ही विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। दोई दुई सुत सीता सिंदर सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो,
ये नीति लागू करने वाले भगवान श्री राम है। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और भगवान राम के दो बच्चे, लक्ष्मण जी के दो बच्चे, भरत जी के दो बच्चे और शत्रुघ्न जी के दो बच्चे, सुंदर का उत्तरकांड में इसका वर्णन है। और भारत का संविधान भी कहता है लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। तो इसका मतलब जो जो बातें उत्तरकांड में लिखी है वो बातें हमारा संविधान भी कहता है। इसलिए मैं कहता हूं संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब इसको अगर शॉर्ट में कर दें, राम राज्य आएगा कैसे? तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य है। और इसी चार में से हमें अपनी एक भूमिका तय करनी है। अब एक बार आप चिंतन करिए कि 24 घंटे में आप कितने घंटे इन चारों में से किस कार्य के लिए देते हैं? आप अपने जीवन में, आपका जो प्रोफेशन है, आप अध्यापक हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी हैं, आप नेता हैं, जो भी हैं आप इन चारों में से करते क्या है? आप धर्म, केवल आप खाना खा के सो के अगले दिन खाना खा के सोते हैं, या धर्म की जय करने के लिए कुछ करते हैं, या अधर्म का नाश करने के लिए कुछ करते हैं, या प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए कुछ करते हैं, या आप भारत का कल्याण या विश्व का कल्याण, एक ही बात है, भारत का कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण हो जाएगा, इसके लिए कुछ करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म की जय करने से अधर्म का नाश हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तिगत मेरा मानना है, हो सकता मैं थोड़ा गलत भी हूं, कि अधर्म का नाश करना नितांत आवश्यक, और धर्म की जय करने के लिए 1925 में एक संगठन बना जो आज की रेट में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसको हम क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलो भाई, उसके अगले ही साल 1926 में एक संगठन बना अधर्म की जय करने के लिए, जिसके बारे में शायद आप कम जानते हैं। आप उसकी पत्तियों के बारे में तो जानते हैं, आप उसके टहनियों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप उस पेड़ को नहीं जानते। कौन सा है बताइए? आप PFI के बारे में जानते हैं, आप SDPI के बारे में जानते हैं, आप देवबंद जमीयत उलमा के बारे में जानते हैं, आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना क्या? सुना, पढ़िएगा, वो पेड़ है, बाकी सारे तने हैं, बाकी पत्तियां हैं। और पिछले 75 वर्षों में अधर्म का नाश करने के नाम पे हमने क्या किया? कभी सिमी को बंद कर दिया तो नाम खत्म हो गया, वो PFI बन गया। PFI पे बैन लगा दिया तो CFI हो गया, CFI पे बैन कर देंगे और DFI हो जाएगा, ऐसे ABCD में घूमता रहेगा, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत के अधिकांश लोग, अधिकांश संगठन धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना, इसी काम पे लगे हुए हैं। एक कार्य बचा हुआ था, धर्म का नाश कैसे होगा, इसलिए मैंने अपने इंजीनियर की नौकरी छोड़ी, ला किया, और हमने कहा कि अब हम अधर्म के नाश पे चले गए। पहले मैं कानपुर में एलमल वेस्पा में था, फिर उसके बाद हीरो होंडा गया, हीरो होंडा के बाद मारुति गया, पहले मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, अब तो प्राइवेट हो गई। फिर मुझे लगा कि एक जगह है जो छूटी हुई है, जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। आपकी सतना की पहाड़ी के पास 100 विदेशी घुसपैठिए आके बस जाएं, और बस गए भी होंगे, पता कर लीजिएगा, बस गए होंगे, जहां जहां जंगल मिलता, जहां पहाड़ी मिलती, वहां के बस जाते हैं।
मुझे बताइए ये विदेशी घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं, चीन में क्यों नहीं जाते, जापान में क्यों नहीं जाते, सिंगापुर में क्यों नहीं जाते, मलेशिया में क्यों नहीं जाते, दुबई क्यों नहीं जाते, अरब क्यों नहीं जाते, वहीं बगल में भूटान है वहां क्यों नहीं जाते, भारत से क्यों आते हैं, क्यों आते हैं भारत? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है, खौफ नहीं उनको। अब समाज उसको क्या करेगा? चलो आप बहुत जागृत आदमी हो, आप बड़े जागृत हो गए सतना के लोग, नहीं नहीं भैया हम तो, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, या तो जाके वहां लाठी डंडा चलाओ या 100 नंबर पे फोन करो। 100 नंबर पे फोन करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1946 का फॉरनर एक्ट चल रहा है जिसमें घुसपैठियों को 1 साल सजा होती है, वो भी बड़े मुश्किल से, जिसमें पुलिस के पास, स्टेट पुलिस के पास ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। अब दूसरा क्या रास्ता, आप डंडा चलाओ, आप डंडा चलाओ तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आप गए थे घुसपैठियों को भगाने, आप खुद ही थाने के चक्कर लगाने लग जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं धर्म की जय करना समाज का काम है, प्राणियों में सद्भावना विकसित करना समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना शासन का काम है। और शासन का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, इतना बड़ा बजट केवल सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, हाईवे एयरपोर्ट बनाने, इसके लिए नहीं मिलता। शासन की प्राइमरी ड्यूटी है अधर्म का नाश करना। हमारे देश भारत और जापान में, मारुति में था तो मैं जापानियों के साथ बहुत मैंने काम किया, भारत और जापान में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, वहां शिक्षा में संस्कार है और कानून का खौफ है। शिक्षा इतनी बढ़िया है उनकी, उनका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, मैंने जब डीपली उसको स्टडी किया तो मुझे लगा हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था वहां चली गई। 5वीं तक प्राइमरी में वो दुनिया भर का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते हैं राष्ट्रभक्ति, वो पढ़ाते हैं स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, वो पढ़ाते हैं ईमानदारी, वो पढ़ाते हैं मेहनत। इसलिए आपको भारत में हजारों की संख्या में जासूस मिल जाएंगे जो पैसे लेके जासूसी करते हैं। कभी आपको जापान में गूगल करके देख लीजिएगा, देश से जासूसी करने वाला कोई मिलेगा नहीं, देश से गद्दारी करने वाला कोई मिलेगा नहीं, हरामखोर वहां कोई मिलेगा नहीं, नमक हराम कोई मिलेगा नहीं। अंतर क्या है? शिक्षा। एक साल का जब बच्चा होता है तो एक्चुअली वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना पारसी होता है, ना ईसाई होता है। वो बनता कैसे है? पेट में तो नहीं बनता, बाहर आके बनता है। उसकी जैसी तालीम होगी, जैसी शिक्षा होगी, वैसे वो बनता चला जाएगा। गुरुकुल में जाएगा एक अलग पैदा होगा, कॉन्वेंट में हो जाएगा एक अलग उसका कैरेक्टर डेवलप होगा, सरकारी स्कूल में जाएगा एक अलग कैरेक्टर डेवलप होगा, मिशनरी स्कूल में जाएगा बिल्कुल अलग कैरेक्टर होगा, और उसी अपने बच्चे को मदरसे में भेज दीजिए, बिल्कुल अलग कैरेक्टर डेवलप होगा। ट्रायल करके देख लीजिए, आपके दो बच्चे हो, एक बच्चे को गुरुकुल भेज दीजिए, एक को मदरसे में भेज दीजिए, और 10 साल के बाद रिजल्ट देख लीजिए दोनों कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, फिर समझ में आएगा। तो अगर हमारा संविधान भी कहता है यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, और हमारा रामचरितमानस भी कहता है राम के सब नर करें परस्पर प्रीति, तो परस्पर प्रीति तब होगी जब भारत की शिक्षा व्यवस्था, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। प्राइमरी में आप बच्चे को पहले अच्छा बच्चा बजाइए, पहले वो उसको ये समझ में आ जाए उसके स्वधर्म क्या क्या है, भाई के रूप में उसका क्या स्वधर्म है, पिता के रूप, बेटे के रूप में उसका क्या स्वधर्म है, समाज के रूप में उसका क्या स्वधर्म है, एक नागरिक के रूप में उसका क्या स्वधर्म है, पहले वो ये स्वधर्म अपने चलना तो सीख ले। वो नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर जो फोकस कर दिया हमने वो केवल किया विकास, ये वो नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर भारत में समस्या है और वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर कोई समस्या भारत में है
और जापान में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। और ध्यान से आप एक बार नोट करिएगा भारत की समस्याएं, तो आपको पता चलेगा भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी समस्या नहीं है। आप समस्याओं की लिस्ट बना के बताइए, मुझे एक समस्या ऐसी बता दीजिए जो भारत की समस्या लाइलाज है और जो भारत की समस्या विश्वव्यापी है। भारत की 100% समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में। दुर्भाग्यवश हमने इस संविधान का इंटरप्रिटेशन बहुत गलत तरीके से किया। गलत इसलिए किया कि हमने इसको यह समझ लिया कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करना केवल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजों का काम, और गड़बड़ यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जज बना कौन, जिसके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, बाद में पिताजी जैसे देश आजाद हुआ तो वो जज बन गए। अब दादाजी बैरिस्टर थे, पिताजी जज थे, खुद भी जज बन गए, तो वो आम भारत की आम समस्याओं से बिल्कुल वो दूर हैं, कटे हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई दादाजी के समय से पुलिस मिली हुई थी, तो खेलने जा रहे हैं तो भी चार पुलिस वाले जा रहे हैं, कभी सब्जी खरीदने गए नहीं, मार्केट कभी गए नहीं, कुछ देखा नहीं कि एक्चुअल में भारत में संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत का त्योहार कैसा है। उन्होंने तो पढ़ाई हुई कॉन्वेंट स्कूल में, दादा से लेकर आज तक लगातार पुलिस की सुरक्षा के घेरे में थे, जिसको कोजी क्लब कहते हैं, तो कोजी क्लब में थे, तो आम जनता के बीच में से गए नहीं, तो उन्होंने संविधान का इंटरप्रिटेशन वैसे ही किया जैसा उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा या बाहर जाके पढ़ा। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क यह कर दिया कि धर्म को रिलीजन समझ लिया और रिलीजन को धर्म समझ लिया। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है संविधान का इंटरप्रिटेशन करना, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, जबकि सच्चाई है धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है।